हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजह। तो यार भाई साहब, भगवान शिव जी ने शेर को भस्म कर दिया और कहीं का भी नहीं छोड़ा। हाँ। आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो स्टार्ट, मैं ये भी जान चुका हूँ कि मेरे संगीत का प्रभु महादेव पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब इस संगीत से कैसे मुतासर करेंगे, चलो पसंद आ गया। मेरा वो संगीत ही मुझे महादेव को यहाँ लंका लाने में सहायक सिद्ध होगा। लालक किसी न किसी तरीके से तो लाना है। भ्राता, इसे मैंने आपकी इच्छा अनुसार बनाया है। ओ, क्या चीज बनाई है? वो रुमाल है, लेकिन वो इनकी इच्छा थी ऐसा। लेकिन उनकी ऐसी इच्छा क्यों थी और ये क्या चीज है? ये कोई रुमाल टाइप कपड़ा लगा। ये देखिए नाराश्री, कुछ है ऊपर। अभी ये वही ना जो बजाते हैं, बजाते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भगवान शिव जी का फेवरेट है ये, है ना? हाँ। वीणा, जो वीणा अब तक संगीत का प्रतीक थी, अब मेरी भक्ति का प्रतीक बनकर मेरे ध्वज पर प्रदर्शित होगी। यार कैसे होगा? आखिर इस वीणा से चलो माना के बजाएंगे, चलो जो भी है। हाँ वही ना, अब पता नहीं क्या क्या करते बजाते हैं, क्या करते हैं। अरे भाई, भगवान शिव जी कहाँ पे आ गए? काशी भी जगह नहीं लग रही है, है ना? हाँ, अभी तक तो फिलहाल वहीं पे ही थे ना। स्वामी, हमारी सदैव इच्छा थी कि हम आपके साथ काशी आए। और आज आपने वो पूर्ण कर दी। आए, 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 आए। काशी भी लगता बड़ा खूबसूरत है, देखना देखना। फूल पौधे हर चीज है। और अगर यहाँ काशी पे अगर भगवान शिव जी आए थे तो अभी ये और ज्यादा खूबसूरत होगा। मैंने एक चीज नोट किया, भगवान शिव जी चप्पल नहीं पहनते। हाँ, ये तो औरों को मैंने देखा, उन्होंने चप्पल पहने हुए होते हैं। हाँ, ये देख ना यार, भगवान शिव जी की सादगी है। सिंपल कितने हैं, दुनिया की किसी चीज को लाने चाहिए कोई नहीं किसी चीज का यार। ये मैंने आज बात हो रही है, कैलाश से दूर किंतु कैलाश से भिन्न है। माँ और पिताजी ने इस भवन में हर बात का ध्यान रखा है। ये इनके माता पिता जी ने कहा था ना। आप जो कहना चाह रहे हैं हम जानते हैं, किंतु हम आपसे सुनना चाहते हैं। क्या तुम स्मृतिहीन थे? तो मुझे यही प्रतीक्षा रहती थी कि कब तुम पूर्ण अभिज्ञता के साथ मुझे पुनः देखोगे। स्वामी, अधिकार कह रहा है कि आपसे इतने लंबे विच्छो के उपरांत आपके साथ मिले क्षण को हम यहीं रोक लें। यहीं पे रोकते हैं, किंतु हमारा दायित्व हमें काशी आने का उद्देश्य नहीं भूलने दे रहा। नहीं भूलने दे रहा कि शक्ति सदैव शिव के दायित्व निर्वाह सहायक बनती, बाधा नहीं भारती। तुम्हारा प्रेम मेरे दायित्व निर्वाह में बाधा नहीं, अभी तो मेरे दायित्व निर्वाह में शक्ति बनता है। आपकी बातें भी क्या बातें, क्या देख रहे थे? हाँ, देख ना, माता जी कितनी खुश हैं। ये तो सपना था ना। प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है। अरे भाई, देख ऐसा लग रहा है जैसे तलाश की है। हाँ, देखो मुझे यहाँ प्रायः ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, है ना? जब आपको और हमको एक दूसरे के बिना अपने दायित्वों का निर्वाह करना पड़ा,
किंतु हमने वो सफलता पूर्वक किया। और इसके पीछे यही कारण है कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे में निहित सत्य है ना स्वामी। पुरुष और प्रकृति ऐसी एक और परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है प्रकृति संसार के प्रति अपने दायित्वों से शिव और शक्ति कभी पृथक नहीं हो सकते स्वामी। इस तरह कर राम प्रभु राम माता। अरे ये आई थिंक वही ब्राह्मण है। आपने दुदंबी का अंत कर काशी को भय मुक्त कर दिया है। वाह क्या यार वो बहुत मस्ती गा रहा था ना। व्यागेश्वर लिंग रूप में यहाँ स्थापित होकर आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। देखा यहाँ पे भगवान काशी का तो भाग्य उदय हो गया। अब भगवान शिव जी हर किसी के दिल में वास करते हैं। किंतु एक समस्या शेष है प्रभु। काशी में जितने भी वेद थे दुदुम्बी ने उन सभी को नष्ट कर दिए। अब क्या होगा प्रभु? ज्ञान का कभी अंत नहीं। ज्ञान को नष्ट करना संभव नहीं। ज्ञान तो केवल ऊर्जा की भांति परिवर्तित होता है। ऐसा ही भिन्न भिन्न रूपों में। अबे कांसों में खत्म करोगे लेकिन दिल के अंदर से कहां से मिटाओगे? कौन कहता है कि वेद नष्ट हो गए? भगवान शिव जी देखा भाई साहब आ गए सारे ये सारे वेद है ना पूरी लाइब्रेरी है किसी के अंदर हर किस्म का वेद है वो भगवान शिव जी वापस ले आए। किंतु वेद पे संकट तब तक बना रहेगा जब तक वो सीमित समुदाय में रहे। उसी जगह पे रहेंगे। वेद की इच्छाओं को जन जन तक पहुंचाना अनिवार्य है और इसका सबसे सुचित और सरल माध्यम है संगीत। तब भी आज इंडिया में जगह जगह कार्य को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता हो ये तो है। संगीत की दुनिया का बादशाह और भगवान शिव जी ने कहा मैं जानता हूँ। महादेव दशरथ रावण नहीं अब ये पक्का कहता मुझे रावण पुकारो और हम रावण को तो शुरू से ही रावण बुलाते हैं क्यों भाई? ऐसा ही है खुरम ऐसे ही है। और वेदों को भगवान शिव जी दोबारा ले आए वही बात है कि तुम कागज खत्म कर दोगे लेकिन भाई साहब जो ज्ञान अंदर है तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर उनको वो कैसे खत्म होगा? वो आपके मरने के बाद खत्म होगा। जब तक आप जिंदा हो आपके अंदर वो सारा खत्म करने की कोशिश कर रहा था। वो कहते हैं ब्राह्मण उन्होंने कहा था काफी खत्म कर दिया है काफी खत्म भगवान शिव जी कहते हैं इसमें क्या कोई मसले की बात है वो वापस आ गया सबको। लेकिन यार अब संगीत से भी वो होंगे तो सब वो भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ रावण जिसने सबसे खूबसूरत शिव तांडव स्तोत्रम गाया था और भगवान शिव जी को पसंद किया था। वाह क्या यार खुरम इसमें कोई शक और रावण भी अब दिल लाता है अंदर से उनका जो लेकिन रावण कैसे अब भक्ति से प्रसन्न करेगा और पीछे से नाना जी ने बोला दशानन वो कहते हैं रावण भाई एक सोच ये भगवान शिव जी से बेइंतहा इतना प्यार करते हैं इतना प्यार करते हैं उसमें अहंकार आ चुका है और अब जब अगर भगवान शिव जी ने रावण रख दिया तो फिर जाहिर बात है वो किसको दिशानन बोलने देगा वो तो यही कहेगा कि सब मुझे रावण बोलें
तो रावण को आज भी अगर कोई रावण बोलता होगा तो उसको खुशी होती होगी रावण को। सही का भाई, जाहिर सी बात है, इसमें कोई जाहिर ही बात है, भगवान शिव जी ने नाम रखा था ना। बिल्कुल, और जिस तरह भगवान शिव जी और माता जी काशी पहुंचे हैं और वो इतने खुश, और वो कह रही थी कि सपना है मेरा, और भाई माता जी का आज सपना पूरा हो गया भगवान शिव जी के साथ काशी। काशी बड़ा खूबसूरत नहीं है? हां बिल्कुल, कैलाश ही जैसा लग रहा था यार। और आज कितना खूबसूरत होगा अगर उस टाइम खूबसूरत है तो, वही ना, इसमें कोई शक की बात, क्योंकि और जाहिर ही बात है भगवान शिव जी खुद आए यार वहाँ पे, और आज भी ऐसा खूबसूरत हरा भरा फूलों से भरा हुआ होगा भाई। यार एक मजे की यार, कमेंट सेक्शन में बताना काशी से कौन कौन है, और बहुत खूबसूरत है इसमें कोई शक की बात नहीं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो जो देख रहा है काशी से कौन है, और जिस तरह वो आए और फूलों को माता जी देख दियो खुश, वो एक सीन ही अलग था वाकई। आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, जरूर करते तो बाय।